welcome to the first lecture of water supply and wastewater engineering, fifth chapter conveyance of water. ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि कन्वेंस, ठीक है, तो व्हीकल वगैरह जो भी जो है पानी पहुंचाने के साधन होते हैं, ठीक है, तो जितना भी अपने जो ट्रीटेड वाटर होता है, ठीक है, जो ट्रीट किया होता है या साफ किया पानी होता है, तो वो जो सप्लाई की जाती है किसमें, घरों के अंदर, ठीक है, तो घरों के अंदर जो भी सप्लाई की जाती है उसको पीने लायक या नहाने लायक जो जो जिस भी पर्पज के लिए, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, ठीक है, तो वो सारा क्या कहलाता है, कन्वेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो वो कहाँ से, न कहीं से भी, जहाँ से ट्रीटमेंट प्लांट्स या जहाँ भी ट्रीटमेंट प्लांट से जो है उठा करके जो है उसे जो है किसी सिटी के अंदर या शहर के अंदर प्रोवाइड करवाना, ठीक है, तो वो सारा क्या हो जाता है, तो वो सारा क्या कहते हैं, कन्वेंस ऑफ वाटर, ठीक है, टू कैरी द वाटर फ्रॉम कन्वेंस ऑफ वाटर, टू कैरी ट्रीटमेंट प्लांट प्लांट एंड फ्रॉम ट्रीटमेंट प्लांट टू ट्रीटमेंट प्लांट टू सिटी ट्रीटमेंट प्लांट टू सिटी फॉर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इज नोन एज कन्वेंस ऑफ वाटर. तो कहीं भी जहाँ पे साधन, ठीक है, सोर्सेज रहते हैं पानी के, ठीक है, कच्चे पानी के सोर्सेज रहते हैं, ठीक है, जैसे नदियाँ, कुएं, जल, ठीक है, कुएं, तालाब वगैरह, तो उन सब से जो है पानी उठा करके इसमें ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर लेके जाना, और ट्रीटमेंट प्लांट से जो है सिटी के अंदर या शहर के अंदर लेके जाना, तो वो क्या कहलाता है, कन्वेंस ऑफ वाटर, ठीक है. तो मीन्स क्या रहता है, तो किस किस के द्वारा जो है इसको लेके जाना लचाया जाता है, ठीक है, ओपन चैनल के जरिए, एक्वेडक्ट और फ्लम टनल या पाइप्स के जरिए, ठीक है. तो बहुत सारे जो है इसके जो है सिटी के अंदर ले जाने के बहुत सारा जो है इसमें ट्रांसपोर्टेशन या जो है रहती है, ठीक है. तो इसका मीन्स चैनल के जरिए जो है पानी ले जाया जाता है किसके अंदर, खेतों के अंदर या शहर के अंदर या एक्वेडक्ट्स. नंबर दो, नंबर तीन, फ्लम्स
पानी को जो है ले जाया जाता है, ठीक है। ओपन चैनल के जरिए दीज आर यूज्ड ऑपरेशनल टू कन्वे द वाटर, दे आर दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय कटिंग इन हाई लेवल ग्राउंड, इन बैंकिंग इन लो ग्राउंड इजली इकोनॉमिकली, ठीक है। आसानी से जो है पानी को जो है, ठीक है, तो जो उसके जरिए जो ओपन चैनल के जरिए, ठीक है, तो उसे पानी को जो है ले जाया जाता है, ठीक है। ओपन चैनल के जरिए जो है पानी को जो है ले जाया जाता है। तो ऐसे खुले का खुला पानी जो है ले जाया जाता है। एक दूसरा आ गया एक्वेडक्ट, एक्वेडक्ट, तो इसमें जो है क्या होता है कि बंद, ठीक है, तो बड़ी बड़ी जो है पाइप्स के जरिए, बंद पाइप्स के जरिए जो पानी को जो है ले जाया जाता है। वाटर को जो है सिटी तक या कहीं भी ले जाया जा सकता है, ठीक है, एक क्लोज कंटेंट के जरिए या बंद उसके जरिए, ठीक है। तो जो पाइप्स वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े जो है पाइप्स रखते हैं, तो उसके जरिए जो है ले जाया जाता है, वो क्या कहलाता है, एक्वेडक्ट। तो ये ब्रिक्स का भी बनाया जा सकता है और आरसीसी का भी बनाया जा सकता है, तो ब्रिक्स के द्वारा भी इसे बंद जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया फ्लम, फ्लम, फ्लम में जो है ओपन चैनल स्पॉटेड अबव द ग्राउंड ओवर टेस्टर और नोन एज फ्लम, ठीक है। तो ये जैसे वैली वगैरह, ठीक है, माइनर लो लाइन एरियाज रहता है, तो ये भी कंस्ट्रक्टर आरसीसी के द्वारा, तो ये ओपन चैनल में ही रहता है, आरसीसी के द्वारा या बूट के द्वारा लकड़ी या मेटल का जो है बना दिया जाता है, तो वो फ्लम, ठीक है, वो फ्लम्स कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गया टनल, टनल में गुफा, तो एक जैसे गुफा होती है, तो ये ग्रेविटी में जो है पानी फ्लो करता है, ठीक है, उसके अंदर से, तो पाइप की तरह ही जो टनल के नीचे से जो है पानी ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए तो वो दे दिया जाता है, तो वो अंडर प्रेशर रहता है, ठीक है, जो भी फ्लो रहता है उसका अंडर प्रेशर रहता है, ठीक है, तो वो प्रेशर टनल भी बोल देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया पाइप्स के जरिए, तो पाइप्स के जरिए जो सर्कुलर टाइप की जो पाइप्स बनी होती हैं, ठीक है, तो उसके जरिए भी जो है पानी को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है, तो पाइप्स के जरिए भी पानी को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसमें, सिटीज में, ठीक है। ए सर्कुलर कंडक्ट थ्रू विच वाटर फ्लो अंडर प्रेशर, तो ये जो अंडर प्रेशर जो है पानी जाता है, तो वो क्या कहलाती है, पाइप्स कहलाती है, ठीक है। तो जैसे टनल, तो टनल तो हो गया लार्ज,
तो बड़ी मात्रा में जो पाइप्स रहते हैं या बड़ी मात्रा में जो बनाया जाता है आरसीसी का, ठीक है। तो लेकिन ये छोटी छोटे मात्रा में या छोटे पाइप्स के जरिए रहती है, ठीक है। तो सिलेक्शन कैसे करते हैं पाइप्स का, ठीक है। तो ये पाइप्स के जरिए जो भी, तो पाइप्स आ गया, तो पाइप्स की डेफिनेशन क्या है, पाइप्स ए सर्कुलर कंडक्ट विच थ्रो या थ्रो सिलेक्शन ऑफ पाइप्स। तो पाइप की हम सिलेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ पाइप्स, तो पाइप्स की हम सिलेक्शन कैसे करेंगे, तो उसके मटेरियल के हिसाब से, ठीक है। तो उसके मटेरियल की जो है सिलेक्शन कैसे करते हैं, पाइप्स की जो है ड्यूरेबिलिटी ऑफ पाइप्स, ड्यूरेबिलिटी ऑफ पाइप्स, ठीक है। तो उसके जो है टिकाऊपन देख करके, ठीक है, टिकाऊपन कितना रहता है, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ पाइप्स, कैपेसिटी ऑफ पाइप्स, तो उसके जो है बाहर उठाने की क्षमता कितनी रहती है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, तो कितना फंड जो है इकट्ठा हुआ है, ठीक है। टाइप ऑफ वाटर टू बी कन्वेड, ठीक है। तो जो विभिन्न प्रकार के वाटर पानी जो है कन्वे करना है और पॉसिबल क्रॉसिंग, तो उसके अंदर किसी प्रकार का जो है जंग वगैरह या जंग रोधक है या नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रेशर ऑफ वाटर इन द पाइप, तो कितना प्रेशर जो है पाइप के अंदर से देना है, प्रेशर ऑफ वाटर इन द पाइप, ठीक है।
पाइप के अंदर कितना प्रेशर हमने देना है। मेंटेनेंस कॉस्ट नंबर से, मेंटेनेंस कॉस्ट, तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि पाइप की जो है सिलेक्शन की जाती है। ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी, टिकाऊपन, ठीक है, कितनी वो कैपेसिटी उठा सकती है, या उसको जब जमीन में दबा दिया जाता है, या उसके अंदर से ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट का जो है वहां से जो गुजरती है तो वो उसे सहन कर पाती है या नहीं कर पाती। अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, हमारे पास कितना फंड है या कितने हमारे पास पैसा इकट्ठा हुआ है। तो टाइप ऑफ वाटर टू बी कन्वेड, पॉसिबल करोसिव इफेक्ट ऑफ पाइप, ठीक है, कितने जो है उसके अंदर जो है किसी प्रकार का जो है क्रोजन वगैरह या जंग वगैरह उधर होनी है। ठीक है, और प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है, उसके अंदर कितना जो है पानी हमने देना है। ठीक है, सिटी के अंदर कहाँ तक जो है कितना प्रेशर में जो है पानी जो है आगे प्रोवाइड करवाना है। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट, तो जो भी उसका जो है द्वारा उसको जो है मेंटेनेंस के लिए या उसको जो है रिपेयर करने की जो है क्या कॉस्ट पड़ जाती है या लागत कितनी रह जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना टाइप्स ऑफ पाइप्स के बारे में। ठीक है, different types of pipes, तो कितने प्रकार की पाइप्स हैं, लगभग 10 प्रकार की जो है हमारे को पाइप्स मिल जाती हैं। ठीक है, तो वो मटेरियल के हिसाब से उनको जो है बनाया जाता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल, depending upon the material used for making pipes, they can classify as number 8, सीमेंट लाइन, कास्ट आयरन पाइप, कास्ट आयरन पाइप नंबर 6, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप, सीमेंट पाइप नंबर 7, कॉपर एंड लेड पाइप, कॉपर एंड लेड पाइप
vitrified clay pipes, plastic pipes, ठीक है, steel pipes, ठीक है। तो ये लगभग 10 प्रकार की जो है pipes जो available रहती हैं, ठीक है। तो steel pipes जो है mainly यूज पर main water line में यूज की जाती है, ठीक है। तो जो steel pipes है, ठीक है, at such place where pressure are high, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, ठीक है, तो वहां पे जो है इसका जो है स्टील पाइप्स का जो है प्रयोग किया जाता है। तो जो पाइप डायमीटर जो है इसका जो है बड़ा रहता है, ठीक है। तो द मटेरियल यूज्ड फॉर स्टील माइल्ड स्टील, ठीक है। तो स्टील पाइप के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है, माइल्ड स्टील, ठीक है। तो इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस आर जनरली गैल्वेनाइज्ड, ठीक है। तो उसे क्या कर दिया जाता है, तो देगी कर दिया जाता है, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड होता है, तो उसकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसकी जो है स्ट्रेंथ बढ़ाए रखने के लिए, तो उसे जो है देगी कर दिया जाता है, या उसको जो है अच्छे से गैल्वेनाइज्ड होता है, ठीक है। तो तो ये माइल्ड स्टील की बनी होती है, और ये ऊपर से जो है ऊपर और अंदर से, ठीक है, आउटर और इनर से जो है गैल्वेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो स्टील पाइप्स आर मेनली यूज्ड फॉर
इसलिए लाइट वेट रहती हैं, देयरफॉर इजी टू ट्रांसपोर्ट। तो इसे आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है, ठीक है। दे आर मोर ड्यूरेबल दिया जा सकता है। दे आर अवेलेबल इन लार्ज लेंथ, अवेलेबल इन लार्ज लेंथ, तो ये ज्यादा लेंथ में जो है मिल आसानी से मिल जाती है। विच डिक्रीज द नंबर ऑफ ज्वाइंट, डिक्रीज द नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, ठीक है, जिससे कि ज्यादा ज्वाइंट्स बनाने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ये दे आर इजी कंस्ट्रक्टेड और इकोनॉमिकल, इजी कंस्ट्रक्टेड एंड आर इकोनॉमिकल, से सस्ता और आसानी से जो है कंस्ट्रक्ट जो है उसे तैयार किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थे एडवांटेजेस स्टील पाइप्स के। तो नेक्स्ट हम करेंगे डिसएडवांटेजेस के बारे में और भी जितने भी टाइप्स ऑफ पाइप्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।